दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों काफी सारे दर्शक आज के विलन के अकॉर्डिंग 90s के दशक के विलन को काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनके द्वारा निभाए गए विलन के किरदार काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार हुआ करते थे। और इसी वजह से लाखों लोग 90 के दशक में विलन का किरदार निभाकर मशहूर हुए इन अभिनेताओं को आज भी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप 90 के दशक में विलन का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके इन अभिनेताओं के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में जानते हैं, जो आज अपनी फील्ड में काफी कामयाब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ तो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 90s में विलन का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेताओं के रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में बताएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, मुकेश ऋषि। इस लिस्ट की पहली कड़ी में नाम है अभिनेता मुकेश ऋषि का, जिन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक विलन का किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया, जिसमें गुंडा, इंडियन और सरफरोश जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड की, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें इनके बड़े बेटे का नाम राघव ऋषि है, जो साल 2019 में आई फिल्म द ग्रेट इंडियन एस्केप में अभिनय करते नजर आए। अब बात करें इनके दूसरे बच्चे यानी कि इनकी बेटी की, तो बता दें इनकी बेटी अभी उम्र में फिलहाल छोटी है और अपनी स्टडी पर फोकस कर रही है। नंबर 2, डैनी डेंजोगप्पा। अब जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस विलन्स के बारे में बात हो रही है, तो अभिनेता डैनी का नाम ना आए ये कैसे हो सकता है, जिन्होंने अपनी दहशत भरी आवाज से लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब दिल जीता। बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड की, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें रिंजिंग डेंजोगप्पा और पेमा डेंजोगप्पा है। बता दें इनकी बेटी पेमा एक मॉडल है और आज अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल है। तो वही इनके बेटे रिंजिंग जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। अगर बात करें इनके बच्चों की बॉन्डिंग की, तो आपको बता दें ये अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 3, गुलशन ग्रोवर। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में नाम है गुलशन ग्रोवर का। जी हाँ, वही गुलशन ग्रोवर, जो बैटमैन जैसी कई फिल्म में अभिनय करते नजर आए। बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड की, तो गुलशन ग्रोवर ने अपने जीवन में दो शादियाँ की है, जिनकी पहली शादी से इनका एक बेटा है, जिनका नाम है संजय कपूर, जो पेशे से एक अभिनेता और डिस्क जॉकी रह चुके हैं। बात करें बाप बेटे के रिश्ते की, तो बता दें कि ये अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा करते हैं और इनके मुश्किल टाइम में इनका फुल सपोर्ट करते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 4, शक्ति कपूर। अब बात करते हैं विलन का किरदार निभाने वाले अभिनेता शक्ति कपूर की, जो मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और चालबाज जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में विलन का किरदार निभाते नजर आए। बात करें इनके बच्चों की, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम है सिद्धांत कपूर और श्रद्धा कपूर, और आज ये दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं। ये अपने एक्टिंग करियर में काफी सक्सेसफुल हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो बता दें फिलहाल दोनों ही कवारे हैं। नंबर 5, आदित्य पंचोली। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम है अभिनेता आदित्य पंचोली का, जो विलन के किरदार के लिए काफी मशहूर है। इतना ही नहीं, इनके विलन वाले अवतार को लाखों लोग खूब पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड की, तो इनके बेटे का नाम है सूरज पंचोली और बेटी का नाम है सना पंचोली। बता दें इनके बेटे सूरज पंचोली बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, तो वही इनकी बेटी ज्वेलरी डिजाइनर है, आज अपनी फील्ड में काफी कामयाब हो चुके हैं। बात करें इनके और इनके बच्चों के बीच की बॉन्डिंग की, तो बता दें कि ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, विलन का किरदार निभाकर मशहूर हुए इन कलाकारों के रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में जानकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।